घर, और घर आने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ वॉक करने के लिए। हम लोग घर आने के बाद चाय पी और दियाबत्ती के बाद हमने खा लिया था खाना, तो हम जल्दी फ्री हो गए और अब हम आए हैं यहाँ पास में वॉक करने। रागी सो गई थी, प्लान तो रागी को भी लाने का था बट वो सो गई थी, तो हम लोग तीनों ही आए हैं, मैं, मम्मी और भाभी। तो अब थोड़ा यहाँ बैठेंगे और थोड़ा दिन भर की बातें करेंगे कि किसने क्या करा, किसका कैसा डे था आज का। तो बस यही था और फिर अब घर जाऊंगी मैं, थोड़ा बहुत काम है। कल है सैटरडे और देखते हैं कल क्या, मतलब मुझे एक्स्ट्रा काम निकालती हूँ मैं करने के लिए। सो अभी फ़िलहाल हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए हैं तीनों, और बस ऐसे ही आए हैं, कपड़े भी घर के ही पहन के आए हैं और अब जाएंगे घर। अगर रागी उठ जाएगी तो फिर सब कुछ नहीं हो पाएगा, आई मीन कुछ भी नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं उठेगी तो फिर कुछ प्री प्लान करेंगे कि क्या काम है एक्स्ट्रा जो करना है, या सैटरडे संडे में देखना है क्या क्या करना है। तो बस यही था, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ घर जाने के बाद। टिल देन बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो मैंने आपको आगे क्लिप ऐड करी है, ये है कल रात की। तो कल रात को हम लोग खाना खाने के बाद वॉक पे गए थे, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर रागी सो के उठ जाएगी तो मैं नहीं बना पाऊँगी, तो वो उठ गई थी। फिर उसको दोबारा सुलाते सुलाते 11:30 बज गए थे। तो ये जो कल का रात का वीडियो है वो मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैं आज आपको बताने वाली हूँ या आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी फास्ट वाली, क्योंकि अभी मेरे चल रहे हैं फास्ट पूरे सावन। मतलब एक टाइम खाना खाऊंगी बस, दिन में भी कुछ नहीं खाती हूँ। और तो चलिए आप देख लीजिए सब्जी की रेसिपी और आपको कैसी लगी ये आप बताइएगा, और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैं रख रही हूँ कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाला तेल, तेल मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, नॉर्मली तेल डाला है, और मैं इसमें डाल दूँगी सीधे से हींग। और अब मैंने डाला है इसमें राई, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं खाना है फास्ट में, तो सिर्फ मैं इसको सिंपल हींग डाली है मैंने। उसके बाद जब राई डाली है, राई थोड़ा चटक जाएगी, तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, क्योंकि फास्ट में तो सिंपल ही खाना खाते हैं, तो इसलिए हम इसको हींग जीरे से ही पकाते हैं। तो अब मैंने ज़ीरा डाल दिया है, ज़ीरा जब चटक गया उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली है, और हरी मिर्च जब डालने के बाद जस्ट मैंने डाल दिए हैं टमाटर। अब इन टमाटर को मैं करूँगी अच्छे से भूंज लूँगी, मतलब जैसे अपन इसको उस टेक्स्चर में लेके आ जाएंगे जैसे अपन मसाला पीस के बनाते हैं। यार इतना टाइम सबर नहीं हो रहा था भूख, तो मैंने डायरेक्ट टमाटर कट करके डाल दिए हैं, और अब आपको देख लेना है ऐसे टमाटर को भूनना है। अभी फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, तो मैंने 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है, फिर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून ऑफ मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून ऑफ हल्दी पाउडर। उसके साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच गर्म मसाला, और ये होममेड है तो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करा है। अब मैं इसमें डाल दूँगी साथ ही साथ आलू, मतलब अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ, आलू बॉईल कर लिए हैं, छील लिए हैं और कट कर लिया है थोड़ा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद अब मैं इसको थोड़ा सौते करूँगी, मतलब चलाऊँगी अच्छे से, और उसके बाद अब मैं इसमें मतलब पानी ऐड कर दूँगी। पानी आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मतलब थोड़ी फास्ट वाले दिन लिक्विड वाली मतलब तरी वाली सब्ज़ी खाने का मन होता है, और साथ में मैंने चावल भी बनाए थे, तो मैंने इसमें अब ऐड कर दिया पानी। पानी मैंने ज़्यादा ऐड नहीं करा है कि वो अलग अलग जाए, मैंने उसमें इतना ही पानी ऐड करा है कि सब्ज़ी अच्छे से मिक्स होके और बन जाए, ताकि इसमें मतलब अच्छा टेस्ट आए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी साथ ही साथ नमक, तो मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सब्ज़ी बनके हो गई रेडी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।